पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर चिमूर में शिवसेना की ओर से आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिव सैनिक उपस्थित थे। केंद्र सरकार के विरोध में जिला प्रमुख नितिन मंत्री के आदेश से चिमूर तालुका शिवसेना के ओर से पूर्व तालुका प्रमुख भावराव ठोंबरे के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में तथा भाजपा नेता राव साहेब दानवे ने जो किसानों के संबंध में जो वक्तव्य किया था उसके निषेध स्वरूप तहसील कार्यालय के सामने चिमूर तालुका शिवसेना की ओर से आंदोलन किया गया। इस मौके पर पूर्व तालुका प्रमुख भावराव ठोंबरे, उप तालुका प्रमुख रमेश बिलकर, श्री हरि सातपुते, संतोष जुमड़े, अन्ना गिरी, सुधाकर न्यूटे, रोशन जुमड़े, मुकुंद खेड़कर, सारंग भट्ट आदि शिव सैनिक उपस्थित थे। सी टीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास म्हणून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला, सामान्य जनतेचा, सामान्य शेतमजुरांचा विश्वासघात केलेला आहे। काँग्रेसच्या काळात पेट्रोल 40 रुपये होतं, आज 93 रुपये पेट्रोल झालेलं आहे, 93 रुपये पेट्रोल झालेलं आहे। तसंच गॅसच्या भावसुद्धा वाढलेला आहे। काँग्रेसच्या राज्यात 400 रुपयात गॅस भरून भेटत होता, आज 900 रुपये घेत आहेत। आणि शेतकऱ्यांना भाववाढ दिलेली नाही, शेतकऱ्यांचा माल असा सडून पडलेला आहे, जिकडे तिकडे आंदोलन सुरू आहे। सरकारने शेतकऱ्याप्रती ज्या योजना राबवल्या त्या शेतकऱ्याच्या विरोधात आहे, म्हणून आम्ही हे आंदोलन छेडत आहोत।